आज मैं आपको ऐसे एक बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप 5-5 रुपए की मिली चीजों को 500-500 रुपए तक बेच सकते हैं, यानी कि 100 गुना दामों में। और मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको लाइव चीजें दिखाऊंगा कि हाँ लोग ऐसा कर रहे हैं और अच्छी खासी बिक्री कर रहे हैं, और आप भी ऐसे बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप खुद सेलिंग करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर बैठे रहिए, आपका सामान बड़े आराम से आपके घर से ही वो भी बड़ी मात्रा में सेल होता रहेगा। और इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको कोई तामझाम नहीं करना है, लाइक कोई बड़ी बड़ी मशीनें खरीदनी हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना हो, कोई चीज़ बनानी हो, आपके हाथ गंदे करने हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको रॉ मटेरियल खरीद लेना है और उसे अपने ब्रांड नेम के साथ पैकिंग कर देना है और बड़े आराम से चीज़ें होती रहेंगी। और मैं देखिए एक एक चीज़ यहाँ पर आपको बताऊंगा भी, कहाँ से आपको रॉ मटेरियल लेना है, कैसे पैकिंग करनी है, कहाँ पे सेल करना है, एवरीथिंग। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और सच में इस बिजनेस में पोटेंशियल बहुत है, इसलिए बहुत अच्छे से सब कुछ समझिएगा। देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैं अपनी लोकल मार्केट से ही ले आया था, और ये देखिए कुछ इस तरह से है, ये साबुत है, ठीक है, खड़ी है। और इसी का मैं देखिए ये इसी तरह की पैकिंग में आया है, इसी तरह की पैकिंग में गांठ मार करके, इसी का जब मैं पाउडर मैंने सेम दुकान से अपनी ही लोकल मार्केट से, जो रिटेल शॉप है बहुत बड़ी शॉप है, सेम दुकान से ये भी लाया हूँ। ये 200 ग्राम है और ये 10 रुपये की मुझे मिली है, यानी कि अगर पर केजी इसकी प्राइस की बात करें तो ये हुआ 50 रुपये का। और यही चीज़ जब पाउडर बना दिया गया, इसको पिसाई हो गई इसकी, तो ये 100 ग्राम मिला है 10 रुपये का। यानी कि देखिए जैसे इसकी पिसाई हुई पाउडर बनाया गया, इसका रेट हो गया डबल। अब देखिए उसी सेम दुकान से, जो मेरे शहर की मैंने कहा सबसे बड़ी दुकान है, उसी से मैंने देखिए ये चीज़ लाई है, मतलब सेम चीज़ ये भी है। और इसका मैं आपको MRP दिखाऊंगा, ये 25 रुपये का 100 ग्राम, मतलब इस तरह की पैकिंग कर देने के बाद सेम चीज़ 25 रुपये की हो गई है। और इसे मैं कैसे आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर MRP इसका आप कैमरे के पास कर देता हूँ, शायद जहाँ चमक रहा है, देखिए चमकने वाला स्टिकर लगा है तो आप देख पा रहे होंगे, ये 25 रुपये का इसी तरह की पैकिंग होने के बाद। तो ये चीज़ पता है 5 रुपये किलो तक बड़े आराम से आप ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, कैसे सब कुछ होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैंने बस आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, अभी मैं और कई सारी चीज़ें बताऊंगा इसी तरह से जिनमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं और लोग कमा रहे हैं। अब देखिए प्राइस की अगर बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो इसी वाले में जो मैंने आपको दिखाया है, देखिए मैंने बताया कि 200 ग्राम 10 रुपए का यानी कि 50 रुपए किलो, इसकी पिसाई हो गई तो ये हो गया 200 रुपए किलो क्योंकि 100 ग्राम 10 रुपए का मिला। और इसी को इस तरह के पाउच में जब पैक कर दिया गया तो ये हो गया आपका 25 रुपये का 100 ग्राम यानी कि 250 रुपये किलो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था कि 500-500 रुपये किलो, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ें 500 रुपये किलो, सेम यही चीज़ 500 रुपये किलो भी बिकती है, इवन 500 रुपये किलो ज़्यादा ही बिकती है, इस तरह से तो कम ही बिकती है, आजकल 500 रुपये किलो में ज़्यादा ही बिकती है। और ये क्या चीज़ है, देखिए मुल्तानी मिट्टी है, इसको आप जान ही रहे होंगे, ये मुल्तानी मिट्टी है जिसका ये मैंने जो दिखाया कि ये पाउडर है, और ये पाउच में देखिए पैकिंग इस तरह से की गई है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे पैकिंग होगा, कैसे क्या होगा। और ये फिर से बता रहा हूँ कि मुल्तानी मिट्टी अकेली एक चीज़ नहीं है, मैं और आपको कई चीज़ें इसकी सिमिलर चीज़ें बताऊंगा जो आप इसी तरह से इसका बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सस्ते में खरीद के बहुत अच्छे रेट में बेच सकते हैं, चाहे तो आप जाकर के सेलिंग खुद कर सकते हैं, लोगों से करवा सकते हैं, या फिर ये सब नहीं भी करना चाहते हैं तो आपके घर से ही ये माल उठते रहेंगे, बिकते रहेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और अभी इसी तरह के कई और प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दिखा दूं कि जैसे मैंने कहा कि ये 500 रुपए किलो तक भी बिकता है, तो वो कहाँ पर बिकता है आपको वो दिखाता हूँ। तो देखिए बगल में आपको मेरे फ़ोन की स्क्रीन दिख रही होगी, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, और मैं मुल्तानी मिट्टी यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट पर, देखिए मैं आया हूँ यहाँ पर, देखिए कुछ इस तरह का पाउच है, देखिए इस तरह का पाउच, ये इस तरह का बॉक्स नहीं है, एक पाउच है जो ट्रांसपेरेंट एक प्लास्टिक की होती है ना, उसमें क्या बस स्टिकर लगा दिया गया है इस तरह की ब्रांडिंग करके भी। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2 है, यानी कि 2 से कम आप ले नहीं सकते हैं, एक में 250 ग्राम यानी आधा किलो आपको 126 रुपये करीब का आधा किलो, लेकिन इसकी पैकिंग ये वाली नहीं है इसलिए थोड़ा सा सस्ता है। आपको हम दूसरे पर चलते हैं, देखिए यहाँ पर इसके बगल में जो ये देखिए इसका देखेंगे आप, ये भी मुल्तानी मिट्टी है, 200 ग्राम है 194 रुपये का। और आप ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ की रेटिंग देखिए 34,066 रेटिंग है, यानी लाखों लोगों ने लिया हुआ है, इतने लोगों ने तो रेटिंग कर दी है, रिव्यूज़ वगैरह दिए हैं। और यहाँ पे बिक कैसे रहा है इसका अगर आप निकालेंगे तो 1,000 रुपये किलो होगा, बिल्कुल 1,000 रुपये के आसपास ये बिक रहा है।
तो ऐसे देखिए, मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहूंगा, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, ढेर सारे आप देखेंगे, सब में ऐसे ही 400 500 हजार रुपए किलो तक ये बेचा गया है। अब देखिए, मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से 500 हजार रुपयों में भी ऑनलाइन बिक रहा है, और ऑब्वियसली ऑफलाइन भी बिक रहा है। मैं जैसे खुद ही खरीद के लाया हूँ, मैंने कहा कि इस तरह से देखिए पैकिंग में बिक रहा है, मेरे शहर की सबसे बड़ी दुकान पे रिटेल में भी बिक रहा है, और ऑब्वियसली बिकता है भाई। मैं जो चीज़ें और भी बताऊंगा कई सारी, वो भी बिकती हैं। मुल्तानी मिट्टी आप जानते ही होंगे सभी लोग अपने फेस वगैरह पे लगाने के, और भी बहुत काम आते हैं आजकल, हर घर में आती ही है। इसी तरह की और भी चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन देखिए, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इतना महंगा बिक रहा है, आपको बहुत सस्ते में मिलेगा, तो वो कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, मैं आपको इंडिया मार्ट पर चल करके इसका रेट दिखाता हूं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं आप इंडिया मार्ट से ही लीजिए, आप अपनी लोकल होलसेल मार्केट से पता कर लीजिए। लेकिन हाँ, एक आपको आइडिया लगने के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो मैं इसलिए आपको इंडिया मार्ट पर दिखाता हूं। देखिए, मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कर लेता हूं ऑन, और यहां पर देखिए मैंने अपने ब्राउजर में इंडिया मार्ट सर्च कर लिया है। मैं जाता हूं इंडिया मार्ट पर, और यहां पर देखिए हम लिखते हैं मुल्तानी मिट्टी। देखिए, मुल्तानी मिट्टी मैं सर्च कर रहा हूं, और जरा आप देखिए, देख लूं मैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिल्कुल चल रही है, 7 रुपए पर केजी। पता है, ये 7 रुपए पर केजी पहला ही रिजल्ट आ गया है। और यहां पर अगर हम देखेंगे ना, तो ये पाउडर भी है, मतलब इसको इन्होंने पिसाई करके ये 7 रुपए पर केजी दे रहे हैं। अगर आप खड़ा वाला लेते हैं तो शायद नेगोशिएशन करेंगे तो 5 रुपए, या पाउडर वाला भी 5 रुपए में कर देंगे, और खड़ा आप क्यों ही लेंगे जब 7 रुपए में पिसाई करके मिल ही रहा है आपको। और देखिए, ये अकेला रिजल्ट नहीं है, मैं आपको नीचे दिखा दूं, देखिए 20 रुपए पर केजी, 10 रुपए पर केजी, 9 रुपीज पर केजी, 20 रुपए, 35 रुपए। तो ये चीजें हैं, मतलब कुल मिला के मैं आपको दिखा दिया, आपको भी अंदाजा लगने के लिए, आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ, सच में ये 5-7 रुपयों में खरीदा जा सकता है, और कितना महंगा महंगा बिक रहा है वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया। देखिए, अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद अब तक इन चीजों के पोटेंशियल का, इनमें कितनी कमाई है, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। मैं बता दूं कि आगे मैं अभी आपको और भी कुछ चीजें, ऐसी ही सिमिलर चीजें दिखाऊंगा, जिनको आप बहुत कम रेट में लेकर के बहुत अच्छे रेट में बेच सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं आपको, ये भी बताऊंगा किस तरह से आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, कैसे ये जो पाउचेस में देखिए इस तरह से बॉक्सेस में जो ये पैक हुआ है, इनको आप कहां से छपवा सकते हैं, कहां से बनवा सकते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और मैं बता दूं कि मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बेच पाएंगे। जैसे देखिए, एक मन में क्वेश्चन तो ज़रूर आता होगा कि पहले से लोग बेच रहे हैं, इतनी अच्छी खासी रिव्यूज़ और रेटिंग्स हैं, तो हम जब डालेंगे तो हमारा माल कैसे बिकेगा। मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इवन आपको ये भी भरोसा दिला दूं कि आप डालेंगे जब, तो आपका माल काफ़ी तेज़ी से बिकेगा, भले आप अपने नया किया है, आपने रिव्यू रेटिंग नहीं है, तब भी आपका माल बहुत अच्छे से बिकेगा। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे सिमिलर चीज़ें और दिखा देता हूं, जिनका इसी के साथ आप इनका बिजनेस कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आपको, मैं फिर से थोड़ा सा कुछ चीज़ों को दिखा देता हूं। देखिए, मैं यहां पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूं ऑन। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं एक इसी तरह से, देखिए रीठा पाउडर होता है, रीठा पाउडर अगर आप सर्च करेंगे, रीठा पाउडर मैं सर्च कर लेता हूं, देखिए मैं फ्लिपकार्ट पर सर्च कर रहा हूं, आप अमेजोन पर भी चेक कर सकते हैं, बहुत हाई प्राइसेस में ये चीज़ें बिकती हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसलिए मैं यहां पर देखिए, अब देखिए ये कुछ इस तरह के, यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जी बिल्कुल ऑन है, कुछ इस तरह के डिब्बे में देखिए पैक किया गया। ये डिब्बे कहां से मिलेंगे आप, मैं कह रहा हूं अपनी लोकल होलसेल मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधे इंडिया मार्ट पर आकर के सर्च करिए, कैसा भी डिब्बा चाहिए, कैसी भी पैकिंग चाहिए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए 250 ग्राम ये 245 रुपए का मिल रहा है, करीब 1000 रुपए किलो ये रीठा पाउडर बिक रहा है। तो मैं बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स हैं, मैं सब पे नहीं जाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए इसी तरह से आप सैंडलवुड पाउडर देख सकते हैं, सैंडलवुड पाउडर ये भी पता है आपको फेस वगैरह में लगाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में, चंदन पाउडर होता है ये भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। देखिए ये आप देखेंगे तो 200 ग्राम 194 रुपए का, करीब 1000 रुपए किलो ये भी बिक रहा है। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैं जाकर के आपको इंडिया मार्ट पर दिखाने वाला नहीं हूँ, आप अपनी लोकल होलसेल मार्केट में भी पता कर सकते हैं, या फिर आप इंडिया मार्ट पर भी सर्च कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में कितना पोटेंशियल है, कितनी कमाई इसमें हो सकती है अगर आप इन सबका बिजनेस शुरू करते हैं। और देखिए इसी तरह से मेरे दिमाग में अभी आ गया, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए चिया सीड इसको सर्च करते हैं, एक सेकेंड, चीट सीड हो गया, चिया सीड देखिए, ये भी पता है वेट लॉस वगैरह के लिए। तो मतलब जब आप इस तरह के काम करेंगे, इस तरह का बिजनेस करेंगे, तो कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। चिया सीड पे देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पर रिजल्ट आया। अच्छा ज़रा ये देखिए, 78,627 रेटिंग्स हैं भाई, कितना बिक रहा है पहले आप ये देखिए। और पता है कितने का, ये 431 रुपये चिया सीड। अब इन सबका जाकर के आप इंडिया मार्ट पर और अपनी होलसेल मार्केट में देखिएगा, ये वेट लॉस के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए काम आता है, लोग लेते हैं। अब ये इतने सारे लोगों ने रेटिंग दिया 78,627, ये एक सर्च रिजल्ट का है, बाकी तो बहुत सारे होंगे। देखिए मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए 1092 और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2 है।
और पता है करीब 125 ग्राम या 99 रुपये में दे रहे हैं। तो इसी तरह का है, देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 35,585 लोगों ने लिया हुआ है और 300 ग्राम 200 रुपये का। तो इसी तरह से देखिए मैंने आपको बताया मुल्तानी मिट्टी हो गया, चिया सीड बताया, चंदन पाउडर बताया और रीठा पाउडर बताया, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जब आप करने लगेंगे ना। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने फ्लिपकार्ट पर सर्च किया है, फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैंने फ्लिपकार्ट पर सर्च किया है तो नीचे सजेशन में अपने आप आपको दिखाने लगेगा सिमिलर प्रोडक्ट, तो आप जाएंगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि हम इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत आप एक दो प्रोडक्ट से ही करिए, लेकिन हाँ सच में इन सब में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जो भी चीज़ें मैंने दिखाई हैं आप जाकर के अपनी होलसेल मार्केट में या फिर इंडिया मार्ट पर सर्च करेंगे तो आपको इनके दामों का अंदाज़ा हो जाएगा, बस पैकिंग का खेल है। जैसे देखिए मैंने मुल्तानी मिट्टी वाला आपको बताया कि देखिए खड़ी 50 रुपये किलो, पाउडर बना दिया हो गया 100 रुपये किलो, इस तरह का पाउच बना दिया हो गया 250 रुपये किलो, और यही चीज़ ऑनलाइन बेची जा रही है तो 500-1000 रुपये किलो। तो पैकिंग का और ब्रांडिंग का बहुत फर्क पड़ता है। तो अब हम इस पर आते हैं कि आप अपनी पैकिंग और ब्रांडिंग कैसे कर पाएंगे। देखिए हम मुल्तानी मिट्टी को ही ले लें तो देखिए बिक ये ऐसे भी रही है, इस तरह से मैं खुद ही खरीद के लाया हूँ मैंने कहा, और देखिए इसी चीज़ को पाउडर बना करके ये ऐसे भी बेच रहे हैं। तो अब ये देखिए ये बहुत लूज में इस तरह से बिक रही है, इसी चीज़ की मतलब एक अच्छे प्लास्टिक में भी इस तरह से ट्रांसपेरेंट मान लीजिए सीलिंग करके, आप कई बार होता है लोग जला करके सील कर देते हैं। मैं आपको अभी एक सीलिंग मशीन भी दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर अभी लगा दूंगा। सीलिंग मशीन 700-800 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलती है, बड़े आराम से आपको बहुत मैक्सिमम 1000 रुपये में भी ऑनलाइन बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी, इसका रेट यही होता है। और सीलिंग मशीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप लें, देखिए अगर आप ये ले लेते हैं फिर आप कोई भी मतलब इससे बहुत तरह का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे मसालों का बिजनेस हो गया या इस तरह से कोई भी पैकिंग वाला आप जब भी बिजनेस करेंगे तो हमेशा वो काम आएगी, वो आपका कभी इन्वेस्टमेंट जो है ज़ाया नहीं जाएगा। तो मैंने कहा कि सीलिंग मशीन जैसी होती तो अभी देखिए इसको लगा दिया गया होता, आप ये कर सकते हैं। तो अब देखिए इसी चीज़ को जैसे मैंने अच्छी प्लास्टिक में कहा कि ले लेना है, उसके बाद आपको ऐसे पाउचेज में पैक कर देना है। तो यही चीज़ देखिए कितनी महंगी होगी। अब जहाँ तक बात हुई इस तरह के बॉक्सेस की, तो ऐसे बॉक्सेस देखिए आप अपने ही एरिया में जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं जो थोड़ा बड़े टाइप के हों उनसे बात कर सकते हैं। ये बॉक्सेस बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसके अंदर इसी तरह से जैसे मैंने बताया अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक में सील करके यही चीज़ भरी हुई है। अब ये बॉक्स थोड़ा प्रीमियम लगते हैं इसलिए पैसा भी अच्छा मिलता है। तो ब्रांडिंग, और हाँ ब्रांडिंग की अगर बात करें तो आपको अपना कोई नाम अच्छा सा सोच लेना है, जैसे यहाँ एक ब्रांड का नाम था मैंने फिलहाल यहाँ पर लगा रखा है, यहाँ पर इनके कलर कर दिया है छुपाने के लिए, लोगो वगैरह था इनका। तो आपको भी अपना एक ब्रांड बना लेना है, कोई भी सोच लेना है, उसको पेटेंट भी करा लेना है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन बहुत पेटेंट कर लेना है, तो वो बहुत बड़ा काम नहीं है, उसको आप देख सकते हैं कैसे किया जाता है ना होगा, मैं भी आगे कभी बता दूंगा। वैसे शुरू में ना भी पेटेंट कराएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अपना एक ब्रांड बना लेना है और इस तरह की प्रिंटिंग भी करा लेनी है। अगर देखिए आपको लगता है कि आपके लोकल एरिया में या इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही प्रिंटिंग, जनरली देखिए आपको लगता है आप जब जाएंगे तो 100% होगा, लेकिन इन केस आपकी मार्केट में नहीं हो रहा है आपको पता चला, तो आप पता है ऑनलाइन अगर एक बार सर्च करेंगे कि बॉक्स प्रिंटिंग या इस तरह की चीज़ें सर्च करेंगे ना, तो ऑनलाइन भी आजकल लोग इतने इस तरह के बिजनेस ऐसे कर रहे हैं ना कि आप जाकर के वहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह रहेंगी, बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब पैकिंग्स इस तरह की कितने सस्ते रेट में बन जाए। पता है ये बॉक्स मैक्सिमम 2-3 रुपये में बड़े आराम से बिक जाएगा। अब अगर कॉस्टिंग की बात करें, देखिए 100 ग्राम यहाँ पर अंदर मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है, जो कि ऑब्वियसली अगर हम 10 रुपये किलो भी जोड़ लें तो 100 ग्राम का होगा 1 रुपये, 2-3 रुपये, मैं 5 रुपये का पकड़ता हूँ कि चलिए सारी पैकिंग प्लास्टिक वगैरह सारा मिला के, तो 6 रुपये बिक रहा है। कितने में ऑनलाइन ये बिकेगा, कितने में 50 रुपये का करीब है ना, मैंने दिखाया 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, और ऑफलाइन भी 25 रुपये में बड़े आराम से बिक रहा है, मुझे 24 में नहीं दिया है 25 में मुझे भी दिया है। और देखिए पैकेजिंग के भी कई सारे तरीके हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक सर्च रिजल्ट में दिखाया था चिया सीड एक डिब्बे में रखा था, तो वैसा डिब्बा भी आप ले सकते हैं। एक दिखाया था मैंने मुल्तानी मिट्टी का ही ट्रांसपेरेंट थोड़ी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक में पाउच में था, ऊपर स्टिकर लगा के, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ये आप जानिए कि जितनी अच्छी आप पैकिंग करेंगे उतना अच्छा प्राइस पाएंगे और उतने अच्छे पैसों में आप उसे बेच पाएंगे। अब देखिए हम बात करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स पा सकते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स का, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको याद दिला दूं कि मुल्तानी मिट्टी का ही देखिए मैंने बताया कि इस बॉक्स की आपको जो पड़ रहा है कॉस्ट प्राइस 6 रुपये का, और आप अगर ऑफलाइन मार्केट में भी बेचते हैं, मैं ऑनलाइन पे तो आ ही रहा हूँ, ऑफलाइन मार्केट में भी बेचते हैं, अगर आप शॉप्स पर बेचते हैं, डायरेक्ट रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर को शॉप पे भी बेचते हैं, अगर 15 रुपये का भी बेचते हैं तो सीधे डबल से ज़्यादा मतलब 9 रुपये तब भी आप प्रॉफिट पा ही रहे हैं। बाकी और दूसरे पैकेजिंग की जो मैंने बात करी उस तरह से भी आप सेल कर सकते हैं, मतलब आपके पास पैकेजिंग के ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आप जब शॉप पर जाएंगे
या जिसको भी भेजेंगे चाहे सेल्समैन रख करके काम कराएंगे, तो ऑप्शन बहुत रहेंगे। जैसे दुकान वाले ये पसंद करेंगे या ये पसंद करेंगे, या फिर एक बार आप सारी तरह की पैकेजिंग करा लीजिए और दुकानों पर रख दीजिए दो दो पैकेट या एक एक पैकेट, तो कस्टमर जिसको जो जिस वाले पैकेजिंग को ज़्यादा पसंद करेंगे वो फिर आगे ज़्यादा चलता रहेगा। अब देखिए प्रॉफिट आपको इतनी समझ में आ गई है, अब ऑब्वियसली अगर आप अपनी लोकल कुछ मार्केट्स को ही कवर करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स ले करके, तो सोचिए कितनी कमाई कर पाएंगे। खैर अब आते हैं ऑनलाइन पर, और सच कहूं तो सबसे ज़्यादा बिक्री आजकल ऑनलाइन ही हो रही है ऐसी चीज़ों की। तो देखिए ऑनलाइन कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। देखिए ये बात सच है कि जब आप नए नए सेलर बनेंगे और अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर रजिस्टर करेंगे, लिस्टिंग करेंगे, तो जैसे देखिए मुझे अगर मुल्तानी मिट्टी लेनी हो या कोई भी एक चिया सीड, मैंने जिस तरह के एग्जाम्पल दिए, लेना हो तो जब मैं जाकर के अमेज़ॉन पर फ्लिपकार्ट पर सर्च करूंगा तो जाहिर सी बात है कंपेयर करूंगा कि कौन से प्रोडक्ट्स को लोगों ने ज़्यादा अच्छे रेटिंग दी है, कौन से सस्ते हैं कंपेरेटिवली और कौन से अच्छे भी हैं, तभी तो मैं लूँगा। अब जाहिर सी बात है आप जब लिस्टिंग करेंगे तो आपके पास कोई रेटिंग कोई रिव्यू नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। तो मैं बता दूं कि देखिए इस पर मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई है, मैंने उसमें एक अलग तरह के बिजनेस के बारे में बताया भी है, थोड़ा सिमिलर भी है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे ना उसमें मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई हैं कि जब आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करते हैं उसके बाद जब अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैंने ऐसी बताई हैं कि आप शुरू से ही आपको ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिलने लगेंगे। और रेटिंग्स और रिव्यूज़ की बात करें तो बहुत अच्छी 5-स्टार रेटिंग्स आपको ऑलमोस्ट सभी ऑर्डर्स पर मिलेंगे ही, उसमें मैंने ऐसी ट्रिक्स बताई हैं। तो उस वीडियो को अभी ये वीडियो ख़त्म होने के टाइम पे मैं यहाँ पर लगा दूंगा एंड स्क्रीन पे, तो आप वहाँ पर क्लिक करके उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत लंबी हो चुकी है तो वो बातें रिपीट करना सही नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करके वो चीज़ें सीख लीजिएगा। बाकी देखिए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट बनाने के लिए, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करने के लिए एज ए सेलर, वो कैसे करें कई बार लोग पूछते हैं, तो देखिए हो सकेगा मैं कभी उस पर भी वीडियो बना दूंगा, फिलहाल इस वीडियो में बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं सही है, और बनाता इसलिए नहीं हूं कि अगर आप एक बार YouTube पर सर्च करेंगे ना कि फ्लिपकार्ट पर सेलर कैसे बने या फिर Amazon पर सेलर कैसे बने कैसे रजिस्टर करें, तो आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी, डेली बनती रहती हैं। जैसे अगर आज का फिल्टर लगा के आप देखेंगे तो आज भी आपको कई सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिनमें ये बताया गया है, तो 2-4-10 वीडियो देखिए आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आता है तो भी बताइएगा मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अच्छा हाँ, अक्सर लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर अपना माल बेचने के लिए तो हमें GST वगैरह भी चाहिए, तो भाई GST बहुत आसानी से बन जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में भी बताया है 500-1000 रुपये से कम में बड़े आराम से आपका GST बन जाएगा, और एक बार अगर आपको बिजनेस करना है तो GST बनवा लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। और देखिए अगर आपको ये सब लगता है कि नहीं मुझे GST नहीं बनवाना है, मुझे सेलर नहीं बनना है, ऑनलाइन नहीं सेलिंग करनी है, तो इस तरह की चीज़ें देखिए आप अगर इस तरह से जैसे मैंने बताया अपनी होलसेल मार्केट से फिर या फिर ऑनलाइन इंडिया मार्ट से या इस तरह की जगहों से अगर लेकर के आप अपनी ऑफलाइन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं करते हैं तो भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है इनमें, बहुत अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। देखिए एक्शन लेना पड़ेगा, अगर आप बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे, कई लोग कमेंट करते हैं सर बहुत वीडियो देख लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, भैया मतलब इतना आसान आसान मैंने दिखाया आपको, 5 रुपये की चीज़ ऐसे बेची जा रही है, 250 रुपये 500 रुपये 1000-1000 रुपये तक ऑनलाइन, आप ऑफलाइन ही बेचिए ऑनलाइन ना बेचिए, तो जब करेंगे भैया तभी कुछ होगा, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इस तरह की कई सारी चीज़ें मैंने तो देखिए कुछ एग्जांपल आपको दिखाया, एक का मैंने लाइव दिखाया, कुछ चीज़ें बताई, 4 दिखाई, ये चीज़ें 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। एक अपना ब्रांड नेम बनवा लीजिए, पैकिंग करवाइए, सामानों को लीजिए, बेचिए, बहुत आसानी से बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। सच में इस बिज़नेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और अगर सच में आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो फिर क्या ही पूछना, ऑनलाइन में तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप अपने घर पे बैठे रहेंगे और एक एक दिन में आपके पास 100, 500, 1000 ऑर्डर आ सकते हैं, और ज़रा आप कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा कि कितने पैसे आप इससे कमा सकते हैं। बाकी देखिए ऑनलाइन शुरू से ही आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं कि कैसे आप पहले ही दिन से ऑनलाइन खूब सारे ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। बाकी देखिए जब करेंगे कोई चीज़ तभी सफलता मिलेगी, बैठ के सोचते रहेंगे तो उसे कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हाँ ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।